तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक न्यू फोन लेने के बारे में सोच रहे हो जो कि 6,000 रुपीज़ के अंडर आए, तो दोस्तों थोड़े टाइम वेट कर लीजिएगा, मतलब कि 20 मार्च तक वेट कर लीजिएगा, क्योंकि 20 मार्च के बाद रेडमी एक न्यू फोन लॉन्च करने वाली है, रेडमी नोट 4 है। तो दोस्तों इस फोन का प्राइस आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं चला कर मटा होगा बना होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब नहीं दबाया, तो जल्दी से उस बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो ताकि आप जानना चाहते हो Redmi Note 4 A का प्राइस क्या है, और दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। उससे पहले एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर बटन होगा, उसके पास लिखा होगा सब्सक्राइब, उस बटन पर दबा दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन होगा, उस पर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं गेम्स के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस फोन के बारे में। इस फोन की जो स्पेसिफिकेशन है, स्क्रीन इसकी 5 इंच की है। इसका जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो 720x1280 पिक्सल का है। दोस्तों इसकी जो स्टोरेज है 16 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है 1.4 GHz का प्रोसेसर है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 है, जो कि ठीक ठाक ही है इसके प्राइस के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस है कितना प्राइस है इसका, 5500 के पास का इसका प्राइस है, मतलब कि 5500 के पास इसका प्राइस है। तो दोस्तों बहुत सस्ता फ़ोन है ये, रेडमी ने आज तक इतना सस्ता फ़ोन नहीं निकाला, अच्छी बात है निकालने लगे हैं, अफोर्डेबल है, हर कोई फ़ोन लेना ले सकता है रेडमी का। और दोस्तों इसका जो रैम इसका 2 GB है, जो कि रेडमी के हर ज़्यादातर फ़ोन में 2 GB 3 GB 4 GB देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मार्शमेलो 6.0 पे रन करता है। कहते हैं कि रेडमी के, आपको जैसे कि पता शायद पता हो अगर आप एंड्रॉयड एक्सपर्ट हो, मैं भी हूँ शायद, तो दोस्तों रेडमी के फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और एंड्रॉयड वर्जन में हम इसको चेंज कर सकते हैं नोगट भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडमी हमें छूट देता है, हमें फ्रीली कस्टमाइज करने को देता है अपना फ़ोन। और दोस्तों इसकी जो बैटरी है 3120 mAh की है, मतलब कि 3120 mAh की महा बैटरी है। इसकी जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है कि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, पहले से ही फिट है। और ये माइक्रो SD कार्ड भी इसमें, मतलब कि हम इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और एक ही डाल सकते हैं, वो तो हर फ़ोन में एक ही होता है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इसका जो कैमरा है, बैक कैमरा इसका 30 MP का और फ्रंट 5 MP का है। दोस्तों कभी सोचा है आपको 5.5 के फ़ोन में आपको, या फिर 5,000 के फ़ोन में आपको 13 MP का कैमरा बैक और फ्रंट कैमरा 5 MP का मिलेगा, सोचा कभी? नहीं सोचा, जो सोच लीजिएगा एक बार फिर से सोच लीजिएगा, मैंने तो नहीं सोचा है। और ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसका नाम है डेविल मे क्राई, तो उसके गेम बहुत मज़ेदार है। अगर आपको ऐसे गेम्स के रिव्यू चाहिए, मतलब कि ऐसे गेम साथ साथ में गेम चलती हुई चाहिए और साथ में मेरी बातें सुनना चाहते हो, तो जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं, प्रोक्सीमिटी का सेंसर है, एम्बिएंट लाइट का सेंसर है, एक गायरोस्कोप का सेंसर है और एक और सेंसर है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें 4 सेंसर लगे हुए हैं टोटल, और आपको जैसे मैंने बताया इसका प्राइस है लगभग 5,000 के पास से लेकर 5,500 के पास, बीच बीच में इसका प्राइस है। तो दोस्तों आपको मैं एक ही, मतलब कि एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो, मतलब कि इतनी प्राइस के अंदर 5,000 से लेकर 6,000 के अंदर, तो 5-6 दिन और रुक जाओ फिर फ़ोन ले लेना ये वाला, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और अगर आपको इस फ़ोन के और भी रिव्यू चाहिए, मतलब और भी आप कंपैरिजन चाहते हो किसी और फ़ोन के साथ, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी बोलना। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और लाइक तो सच, तो लाइक छोड़ो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना, मतलब कि लाइक कर देना दोस्तों, सीधी बात है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ, ये मेरे जो मुंह से निकलता है ऐसा उल्टा पुल्टा, इसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। तो दोस्तों शुक्रिया, और सॉरी दोस्तों शुक्रिया आपका। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।